सर्विसेज बिल पास होते ही बदल गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुर। दिल्ली वालों ने कहा कौन एलजी, कहां से आ गया एलजी से, माननीय कैसे हो गए वीके सक्सेना। दरअसल मौका था आईटीओ पर बने नए शहीदी पार्क के उद्घाटन का, और इस समारोह में दिल्ली सर्विसेज बिल पास होने के बाद पहली बार आमने सामने थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। यूं तो दिल्ली में अधिकारों को लेकर अक्सर भिड़ते रहने वाले केजरीवाल और एलजी इस बार एक दूसरे के साथ बेहद सहज नजर आए। इस दौरान दोनों ने पार्क का उद्घाटन किया। हालांकि शहीदी पार्क के लिए जहां मुख्यमंत्री ने एमसीडी की पीठ थपथपाई, तो वहीं एलजी ने केंद्र सरकार की मदद और विजन की जमकर तारीफ। तो ये तो हो गई उद्घाटन की बात, लेकिन असली जंग तो सोशल मीडिया पर छिड़ गया। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में पार्क के उद्घाटन की बात लिखी, केजरीवाल ने लिखा, माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी के साथ आज शहीदी पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला। ये पार्क वेस्ट टू आर्ट का एक शानदार उदाहरण है। ये पार्क हमारे वीर सेनानियों की शौर्य गाथाओं और उनके अमर बलिदान का वर्णन करता है। आप भी ये शानदार पार्क देखने जरूर आना। लेकिन इस ट्वीट में गौर करने वाली बात ये थी कि कल तक केजरीवाल जिन्हें कौन एलजी, कहां से आ गया एलजी कहते थे, उन्होंने माननीय एलजी लिखा, तो दिल्ली वालों को ये बात हजम नहीं। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल के इस ट्वीट पर लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा, कौन एलजी, कहां से आ गया एलजी से माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी। अरविंद केजरीवाल ने सबसे कम समय में एक लंबा सफर तय किया। तो किसी ने लिखा, बिल पास होते ही माननीय हो गए। तो कुछ ने लिखा, ये बदलाव सही है। तो यूजर्स भले ही कुछ भी कमेंट करें, लेकिन आपको बता दें कि राजनीति में आए दिन ऐसा होना आम बात है, जहां कभी एक नेता एक दूसरे के साथ आमने सामने तो कभी एक साथ खड़े नजर आते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, मतभेद कितना ही क्यों ना हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टीवी 9 दिल्ली एनसीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टीवी 9 दिल्ली एनसीआर के लिए प्रतिज्ञा कश्यप की रिपोर्ट।